वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है। कहते हैं एक और मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है, और साथ में ये बताया हुआ है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही डिफाइन हो रहे हैं। अब ये डिफाइन हो रहे हैं इस बात का क्या मतलब है? डिफाइन हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हमें बी का ऑर्डर डिफाइन करना है। एक काम करें, इसके ऑर्डर को मान लेते हैं हम एक्स इंटू वाई, मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा है कि ए इंटू बी पॉसिबल है, इसका मतलब जो मैंने आपको सिखाया था ए का ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर कितना है एक्स क्रॉस वाई, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, इक्वल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एन के इक्वल, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, बी इंटू ए की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बी इंटू ए भी डिफाइन हुआ है। अभी बी का ऑर्डर कितना है एक्स इंटू वाई, ए का ऑर्डर कितना है एम इंटू एन, और अगर इनकी मल्टीप्लाई होनी है तो इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई एम। तो हम ये कह सकते हैं जो बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर कितना आया था एक्स इंटू वाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है एन, और वाई की वैल्यू कितनी है एम, तो ऑर्डर निकल के आ गया कितना एन क्रॉस एम। आइडिया लगा इसका, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, पता नहीं उनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर इतना है कि ए और बी जो भी मैट्रिसेस हैं उनके बेस पर ए प्लस बी, बी प्लस ए, ए इंटू बी और बी इंटू ए सब डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ डिफाइन हो रहा है। ए प्लस बी भी किया जा सकता है, बी प्लस ए भी किया जा सकता है, ए इंटू बी भी कर सकते हो और बी इंटू ए भी कर सकते हो। अब हमें क्या पता है ए और बी का ऑर्डर क्या है, तो कहते हैं बताओ ए और बी के ऑर्डर क्या हो सकते हैं। ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले तो ए इंटू बी की बात करते हैं। दो चीज़ें, दो मैट्रिसेस कब ऐड होंगे, जब उन दोनों के ऑर्डर होंगे हमेशा सेम। तो कन्फर्म हो गया जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होगा। तो हमने क्या करा, इनके ऑर्डर को मान लिया हमने एम क्रॉस एन, और इसका ऑर्डर भी अब बन गया एम क्रॉस एन। सही बात है, क्योंकि प्लस होने के लिए दोनों का सेम ऑर्डर होना जरूरी है, राइट। अब बारी किसकी आती है, ए इंटू बी की। तो ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास एम क्रॉस एन, और बी का ऑर्डर क्या है हमारे पास एम क्रॉस एन, और दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है तो इन दोनों का कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। सही में आई बात। अब अगर ये इक्वल होंगे तो इससे क्या बात निकल के आ गई, एन तो एम के ही इक्वल है। अगर एन एम के इक्वल है तो जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर है। ए का ऑर्डर क्या लिख सकते हो एम क्रॉस एम, और बी के ऑर्डर को भी क्या लिख सकते हो आप एम क्रॉस एम लिख सकते हो, एम क्रॉस एम भी लिख सकते हो या एन क्रॉस एन भी लिख सकते हो, क्योंकि एन और एम तो आपस में इक्वल है। इससे ये बात पता चलती है कि ए और बी हमारे कैसे मैट्रिसेस हैं, ए और बी हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। ओके, कोई कन्फ्यूजन इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स जिसका ऑर्डर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू, और एक वाई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बी प्लस वन और ए प्लस थ्री, ठीक है। कहते हैं कि x इंटू वाई भी पॉसिबल है और y इंटू एक्स भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल हैं, तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। ये बेटर है थोड़ा सा। आप देखो, अगर x इंटू वाई पॉसिबल है, पहले हम x इंटू वाई पर आएंगे, तो हम x के लिए और y के लिए लिखेंगे इनके रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स,
ए प्लस बी के साथ आएगा ए प्लस टू, और वाई में क्या आएगा बी प्लस थ्री के साथ ए प्लस थ्री। आप देखोगे इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल, तो इन दोनों का कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। बी प्लस वन है ये, ओके ये बी प्लस वन है, तो इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए प्लस टू इक्वल टू बी प्लस वन, या कह सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का वन। फिर बारी किसकी आती है, वाई इंटू एक्स की। वाई वाई क्या है, बी प्लस वन और ए प्लस थ्री, और एक्स क्या है ए प्लस बी और ए प्लस टू। वो कहते हैं वाई इंटू एक्स भी हो सकता है, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और देखो यहाँ से क्या निकल के आया, ए प्लस थ्री किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के, ए से ए गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। अभी बी की वैल्यू आ गई तो क्या निकालना है, ए और निकालना है, तो यहाँ से ए माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, और ए की वैल्यू आ गई टू, तो ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू थ्री है, ठीक है।